दोस्तों, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि आपका बीपी बढ़ा रहता है, हाई रहता है, या फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपकी शुगर बढ़ी रहती है, या फिर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, आपको टेंशन ज़्यादा रहता है, आपको अच्छी नींद नहीं आती है, दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा आपने अपने घर के आसपास कहीं भी देखा होगा। अगर आपने देखा है तो इस पौधे को कभी ना छोड़ें, इसको आप अपने घर पे ले आइए। दोस्तों ये जो आप पौधा देख सकते हैं, ये है दोस्तों सदाबहार। ये सदाबहार पौधा, इसको बहुत सी जगह पर सदा फूली के नाम पर भी इसको जाना जाता है। दोस्तों ये पौधा हाई बीपी में काम आता है, ये पौधा शुगर को कंट्रोल करता है और धीरे धीरे खत्म करता है। और साथ ही साथ अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, नींद अच्छे से नहीं आती है, तो आपको उसमें भी फायदा मिलेगा। और अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम है तो ये कैंसर को भी निवारण करता है, यानी कि कैंसर के सेल्स को खत्म करता है। तो ये है दोस्तों सदाबहार का पौधा। और अगर मैं बता दूं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बालों में भी बहुत अच्छे से काम करता है, साथ ही साथ आपको हमेशा नौजवान बनाए रखेगा ये सदाबहार का पौधा। दोस्तों ये जो सदाबहार का पौधा है, ये शरीर की कई गंभीर बीमारियों को बहुत जल्दी सही कर देता है, और इसमें भरपूर मात्रा में औषधि गुण पाया जाता है। तो ये आप क्या करें, इस पौधे को आप ले आइए और इसको अच्छे से पानी से साफ करें। दोस्तों ये पौधा डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी को ये खत्म करने की ताकत रखता है, साथ ही साथ ये कैंसर जैसी प्रॉब्लम को ये, यानी कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको ये खत्म करने की ताकत रखता है। शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को ये बाहर निकालता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सदाबहार इस तरीके से पौधे को ले लेना है और इसकी हमें तोड़नी है पत्तियां। पौधे को जैसे ही आप तोड़ करके लाएं और इसको पानी से अच्छे से साफ कर लें, ताकि इसमें जो धूल मिट्टी लगी रहती है वो अच्छे से ये साफ हो जाए। तो आप क्या करें, इस तरीके से पत्तियों को, फूल को आप ले लें। दोस्तों ये जो सदाबहार की पत्तियां हैं, अगर आपके गले में इन्फेक्शन है, यानी कि खांसी है, जुकाम है, कफ जमा हुआ है छाती में, तो दोस्तों इस सदाबहार की पत्तियों का आप सेवन कर सकते हैं, या फिर इसके जूस का भी सेवन कर सकते हैं, या फिर आप इन पत्तियों को पानी में डाल करके उबाल लें और उस पानी को आप पी लें, इससे आपके गले का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इन पत्तियों को इस तरीके से हम कूट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छे से काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है और फिर धीरे धीरे जड़ से खत्म करता है। दोस्तों नेचुरल चीजें जो होती हैं वो हमेशा स्थायी रूप से फायदा करती हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फायदा बिल्कुल आपको मिलेगा। जड़ से, यानी कि कोई भी बीमारी है उसको जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। आप लोग हमेशा जानते हो कि जो वनस्पतियां होती हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं और बीमारियों को दूर खत्म कर, यानी कि खत्म करने में बहुत ही ज़्यादा तेजी से काम करती हैं। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। आप चाहो तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके इसका पेस्ट यानी कि चटनी बना सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको अच्छे से छान लिया है। आप देख सकते हैं इसका जूस सारा निकल आया है। दोस्तों अब ये जो रस निकला है ये किस चीज में काम आएगा, डायबिटीज में कैसे काम करता है, शुगर में ये क्या करता है, इसमें क्या है दोस्तों, एल्कलाइड नामक तत्व शरीर में इंसुलिन की मात्रा को ये बढ़ाता है, जिससे कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह कंट्रोल में होता है और फिर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है ना। अब ये कैंसर में कैसे फायदा करेगा, ये सदाबहार की पत्तियां या रस कैंसर में, दोस्तों क्योंकि इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व यानी कि सदाबहार के रस में या पत्तियों में दोस्तों क्या होता है, विनक्रिस्टिन और विम्बलास्टिन एल्कलाइड कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब आप इसका सेवन कैसे करेंगे, आप चाहो तो इसकी रोज दो पत्तियां खा लीजिए चबा करके सुबह खाली पेट, या फिर आप इस तरीके से रस को निकाल करके इस रस को भी पी सकते हो। कैसे पीना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप चाहो तो रस पी लो, या फिर आप सदाबहार की जड़ को चबा करके खा लीजिए, आप देखना आपका बीपी कैसे कंट्रोल होता है। और
अब मैं आपको बता दूं, अगर आपकी त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है, यानी कि खुजली है, इन्फेक्शन है, कील है, मुहासे हैं, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, या फिर आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो आप इस सदाबहार की पत्ती को पीसिए, यानी कि पेस्ट बनाइए, और पेस्ट भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हो, या फिर इस तरीके से इसका रस भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे किडनी की। अगर आपके किडनी में स्टोन है, यानी कि पथरी है, तो ये जो सदाबहार की पत्तियां हैं या जूस है, आपकी किडनी की पथरी को पिघला करके बाहर निकाल देगा। तो चलिए अब बताते हैं लेने का तरीका। अब आप चाहो तो, मैंने आपको बता दिया है, आप चाहो तो पत्तियों को चबा करके खा लें, आप चाहो तो जड़ को चबा करके खा लें, या फिर आप क्या करें, इस तरीके से जूस बनाइए और 2 चम्मच जूस गिलास में डालिए और इसमें डाल लीजिए थोड़ा सा पानी और इसको आप सुबह खाली पेट आप इसको पीजिएगा। अगर आप इसका लगातार सेवन करेंगे, समझ गए ना, आप इसका अगर लगातार आप करीबन 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक सेवन कर लिया आपने, तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे ट्राई करके देखना। सुबह खाली पेट आपको इसका सेवन करना है। अब आपको मैं बता दूं, इस तरीके से आपको इसमें नॉर्मल पानी डालना है, गुनगुना वगैरह कुछ नहीं। अब अगर आपके हाथ पैरों में भी दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, सूजन है, ऐठन है, तब भी आप इस नुस्खे का सेवन कर सकते हो, इस जूस को आप पी सकते हो। सदाबहार की पत्ती तो दोस्तों एक है, एक पौधा है, लेकिन अनेक बीमारियों का ये क्या करता है, खात्मा करता है, औषधि पौधा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो किसी भी वैद्य से आप पूछ लेना या गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस नुस्खे को आपको पूरे इस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पीना है, ठीक है ना। आप चाहो तो पत्तियों को चबाइए, जैसे भी आपको समझ में आए। और अब मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, आप चाहो तो फूल, पत्ती और इसकी डंडी और इसकी जड़, सभी चीजों को लेकर के आप इसे पानी से साफ करके और छाया में रख करके इसको आप सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद में इसे मिक्सी के जार में डाल करके इसका एक बारीक यानी कि फाइन पाउडर बना लें, और बना करके किसी भी एयर टाइट डिब्बी में भर करके आप रख लीजिए। इस तरीके से आप इसके पाउडर का भी सेवन कर सकते हो, और रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच पाउडर का सेवन करिए, आप देखना आपके शरीर से बीमारियां कोसों दूर रहेंगी, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होगी, आपको शरीर में ना तो कभी कमजोरी महसूस होगी, ना ही थकान महसूस होगी। दोस्तों आप हर एक बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपको कुछ बीमारियां हो भी गई हैं तो वो आपकी जड़ से सही हो जाएंगी। इसे आप यूज करिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुणकारी और औषधीय पौधा है। अगर आप इसके बारे में किसी भी वैद्य से जानकारी लेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगा। बहुत अच्छा पौधा है, ये फायदेमंद है, इसे आप जरूर ट्राई करना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।